मैं रिटायरिंग रूम के अंदर में आ चुका हूँ। काफी साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इस रिटायरिंग रूम में टोटल 5 एसीज है। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। वी विल स्टार्ट व्लॉग विद समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल। तो दोस्तों, आप लोग ट्रेन से आना जाना करते ही करते होंगे, और ऐसा भी हो चुका होगा आप लोगों के साथ में कि आपकी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होगी। ऐसे सिचुएशन में आप लोग उस रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम जो है वो यूज़ करते हो। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आया हूँ आसनसोल रेलवे जंक्शन में, और यहाँ का जो रिटायरिंग रूम है वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और मैं ये भी आपको दिखाने वाला कि यहाँ पे रिटायरिंग रूम में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कैसे आप बुक कर सकते हो, मतलब ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन जो है आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं यार बिना किसी लेट के, और सीधा एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा आसनसोल रेलवे जंक्शन, आसनसोल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे जो है वो टिकट काउंटर है। तो यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अंदर। एक एंट्री पॉइंट यहाँ से भी है और एक एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ से भी है, तो हम लोग उस रास्ते से होकर चलेंगे अंदर। यहाँ से स्टेशन के अंदर जाने के 3 रास्ते आपको मिल जाएंगे। पहला नॉर्मल सीढ़ी, दूसरा स्लाइडर सीढ़ी, और तीसरा एक्सकलेटर। तो मैं एक्सकलेटर से होते हुए अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, और यहीं आपको वेटिंग रूम दिख जाएगा। यहां से आप अंदर जाओगे तो एक फूड काउंटर मिलेगा, जहां पे आपको तरह तरह के खाने पीने के आइटम जैसे वेज पेटीज, पनीर पेटीज, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। और ठीक इसके बगल में ही वेटिंग रूम का रिसेप्शन काउंटर है। गाइज, क्योंकि आपका ट्रेन लेट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप रिटायरिंग रूम जो है वो बुक करते हो। इसी के वजह से किसी भी आप रिटायरिंग रूम में जाओ, किसी भी रेलवे जंक्शन के रिटायरिंग रूम में जाओ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ PNR नंबर और आधार ID लगता है। आधार ID में आप वोटर कार्ड भी दे सकते हो और आधार कार्ड भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम रिसेप्शन में पहुँच चुके हैं और मैंने अपना प्लेटफॉर्म टिकट कटवाया था, तो चलो मैं अपना ID वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबमिट करता हूँ, प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 रुपीज़ इसका चार्जेस है, और उसका एक बकायदा आपको स्लिप दिया जाएगा इस तरीके से, जिसमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि कितने घंटे के लिए आप लेते हो और कितना चार्जेस आपका लगता है। फिलहाल गाइज, मैं रिटायरिंग रूम के अंदर में आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे बहुत सारे सोफ़ाज लगे हुए हैं। यहाँ पे भी एक सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और टोटल 31 सोफ़ाज यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे TV भी देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे TV है और दूसरा जो है यहाँ पे TV है। इस रिटायरिंग रूम में टोटल 5 ACs है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और काफ़ी चिल्ड है ये रूम। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे जो पर्दा यूज़ किया गया है वो ब्लाइंड पर्दा है, जिसे आप देख सकते हो जो ऑफिस वगैरह में रहता है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है, काफ़ी ज़्यादा कूल है, और बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ का इंटीरियर जो है वो काफ़ी कमाल का है, बेहतरीन है, उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। साथ ही साथ अगर आपको लगेज वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे लगेज भी रख सकते हो। लगेज रखने का भी बाकायदा इंतज़ाम किया हुआ है, रैकिंग वगैरह है, सेंटर टेबल 2 दिया हुआ है। और एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे फ्री वाईफाई की भी सुविधा है। वैसे तो हर रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की सुविधा रहती है, और फुल CCTV लेस है। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा हरकत मत करना आके कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने TV भी ऑन करवा लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो TV ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगेज बैग रखने का जगह है, रैक बनाया गया है। इस जगह पे वाईफाई का राउटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जगह जगह CCTV लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे लगा हुआ है, तो चारों तरफ CCTV जो है वो लगा हुआ है। ये सारे मैंने आपको जितने भी सोफ़ास दिखाए हैं ये सारे नॉर्मल सोफ़ा थे, जिसका प्राइस जो है वो हर घंटे में 30 रुपीज़ करके चार्जेस है। और रह गया ये वाला रिक्लाइनर सोफ़ा है, ये हर घंटे का 50 रुपीज़ करके पड़ता है। और इसका खासियत ये है कि आप यहाँ पे आराम से पैर खोल के बैठ सकते हो, जस्ट लाइक अ बेड, मतलब कि बेड का आपको फील मिलेगा।
गाइज यहाँ पे तो रिक्लाइनर सोफ़ा लगा हुआ है 3 और इधर लगा हुआ है 2, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, जिसका चार्जेस मैंने आपको बताया कि 50 रुपीज़ चार्जेस है। और यहाँ पे जो है वो बेड की सुविधा है और इसका भी जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है। तो चलो आओ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अंदर में कि यहाँ पे 5 बेड है और यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो 5 बेड को, जिसका चार्जेस आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ ही पड़ने वाला है। तो इस दरवाजे को हम लोगों ने पुश करके अंदर आया और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप बेड लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लैंकेट भी मिलेगा, 2 तकिया भी आपको मिलेगा और ये व्हाइट चादर भी मिलेगा। हालांकि अगर आप बोलोगे तो चादर आपको चेंज कर दिया जाएगा और ब्लैंकेट वगैरह सभी कुछ चेंज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको MDF जाली देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ इतना है कि आप यहाँ पे आके आराम से लेट सकते हो, अपना कमर जो है वो सीधा कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी बैठ के ले रहा हूँ मज़े, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप गर्मी के दिन में भी आते हो तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ पे 3 AC ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो कि इस रूम को चिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 डस्टबिन भी मिल जाएंगे, जैसा कि एक डस्टबिन आप यहाँ पे देख सकते हो और दूसरा डस्टबिन जो है वो दूसरे साइड में है। तो अगर कोई गंदगी वगैरह होता है तो इसमें आप आराम से इजीली फेंक सकते हो। और यहाँ पे भी साफ सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। तो भाई साहब इस बेड को मैंने यूज करके कर दिया है खराब, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हर बेड में आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। इस जगह पे भी देखो हर बेड में आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो है वो दिया गया है। गाइस किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिटायरिंग रूम या प्राइवेट लॉन्च का मेन पार्ट होता है, मेन एरिया होता है वॉशरूम। तो चलिए यहाँ का भी वॉशरूम हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि कितना साफ़ सफाई है और कैसा रखा गया है, ताकि आप लोग अगर यहाँ पे आते हो बुक करते हो तो आप लोग को कोई भी परेशानी जो है वो ना हो। हर जगह की तरह यहाँ पे भी 2 वॉशरूम है, एक जेंट्स और एक लेडीज़ के लिए। लेडीज़ वाला जो है वो राइट साइड में है और जेंट्स वाला जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो चलो चलते हैं अंदर में किस तरीके से रखा गया है वॉशरूम को, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे 4 डोर है, एक वॉशरूम है, दूसरा बाथरूम है, तीसरा यूरिनल है और चौथा जो है वो टॉयलेट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वॉशरूम में। तो वॉशरूम में यहाँ पे 2 बेसिन दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि ठीक ही ठाक है। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह होल्ड करने का एक जगह दिया गया है छोटा सा। और ये यहाँ पे बाथरूम है जहाँ पे आके आप बात कर सकते हो, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक शावर है और नीचे भी नल लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हैंगिंग करने के लिए एक हैंगर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरिनल है जहाँ पे आके आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हो। और ये लास्ट वाला जो है वो टॉयलेट है, मतलब कि इंग्लिश कमबोर्ड है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हो साफ सफाई है, बुरा नहीं है, ठीक ही ठाक है। यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह का यूज़ किया गया है, नीचे भी जो है वो मार्बल लगा हुआ है। दोस्तों अगर आप इस प्राइवेट लॉन्च में आते हो या फिर आप इसको बुक करते हो तो आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल कंजप्शन। साथ ही साथ लगेज जो है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के इस ब्लॉग में मैंने आसनसोल जंक्शन का जो रिटायरिंग रूम है उसको फुल एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, आके आपको कितना चार्जेस लगने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग जो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग देन मेक श्योर लाइक and subscribe the channel and please hit the bell icon. I will see you soon next time. Till then stay safe and be happy.